गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट स्टडीज़ में केस स्टडी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया कि मैनेजमेंट को समझना है, और समझना है तो फिर हमें कोई या तो काम करते हुए किसी को देखना पड़ेगा, या जिन लोगों ने काम किया है उनकी हिस्ट्री, उनकी काम करने की शैली, काम करने का तरीका, उनकी जीवनचर्या को हमें कहानी के रूप में सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो शायद हम ठीक से समझ पाएंगे कि एक अच्छे सफल और आगे बढ़ने वाला व्यापारी हो, चाहे वो अधिकारी हो या राजनेता हो, चाहे किसान हो, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से निर्णय करता है, किस तरीके से अपने साथ काम करने वाले व्यक्तियों को नेतृत्व प्रदान करता है। तो केस स्टडी बहुत हेल्प करती है। केस स्टडी में इस बार के इस लेक्चर में हम दुनिया के मशहूर लोगों की बात करेंगे। चूंकि हम आईटी एरा में हैं, सूचना प्रौद्योगिकी के ज़माने में रहते हैं, और आजकल हम दुनिया बहुत बड़ी है ऐसा नहीं कहते। जिस तरह से आप गांव में रहते हो तो गांव कहते ही लगता है बहुत छोटा, तो आजकल सभी लोग बात करते समय बोलते हैं ग्लोबल विलेज, पूरी दुनिया को एक छोटा सा मानते हैं, क्योंकि सूचना तंत्र बहुत तेजी से फैल गया है पूरे ग्लोब पे, पूरे भूमंडल पे। कहीं पर भी कोई भी घटना होती है, कोई भी जानकारी होती है, सेकंडों में, मिनट्स और घंटे तो बहुत दूर, विद इन सेकंड्स दुनिया में फैल जाती है। इसलिए नाउ वी आर लिविंग इन ए ग्लोबल एज, इन आईटी एरा। जब हम ग्लोबल विलेज कहते हैं और आईटी एरा कहते हैं, तो एक तीसरी चीज़ अपने आप खड़ी हो जाती है, इन ए वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, बहुत प्रतिस्पर्धी दुनिया है ये, बहुत प्रतियोगी दुनिया है ये। ऐसी दुनिया में आगे बढ़ने की होड़ है, आई मस्ट बी नंबर वन, मैं एक नंबर पर रहना चाहता हूँ। तो ऐसे आगे बढ़ने की जो होड़ है, उस होड़ में, उस कंपटीशन में सबसे अहम जो पैरामीटर है वो है इकोनॉमी, पैसा। कौन सा देश दुनिया में सबसे अच्छा है कि जिसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है? कौन सा व्यक्ति सबसे अच्छा है कि जो सबसे अधिक धनवान है? तो ये कुछ धनवान, धनाढ्य लोगों की तस्वीर है आपके सामने। टॉप टेन, जैसे गाने सुनते हैं ना, हर हफ्ते गाने बदलते हैं, टॉप टेन सॉन्ग्स बॉलीवुड के, हॉलीवुड के। इकोनॉमी के अंदर इन लोगों का बहुत अहम रोल है, इम्पॉर्टेंट रोल है। कुछ लोगों को शायद आप शकल से पहली बार देख रहे होंगे, लेकिन नाम सुना होगा। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप बैठे बैठे मोबाइल पर ही कुछ खरीदने का आदेश दे देते हैं। तो सबसे पॉपुलर साइट है शायद फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। अमेज़ॉन के मालिक नंबर वन पर हैं जेफ बेसोस, बेजोस, और इनका आज की तारीख में हिंदुस्तान के सबसे बड़े धनवान व्यक्ति मुकेश अंबानी जी के साथ में एक व्यापारिक मतभेद चल रहा है। आप अखबारों में अगर ठीक से ध्यान दें तो इसको फॉलो कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि जेफ बेजोस और रिलायंस का जो रिटेल रिलायंस आ रहा है, रिलायंस मार्ट आ रहा है, उसके और उनके बीच में
एक डिस्प्यूट हुआ है उसको लेकर के अखबार में रोज खबर छपती है। आप जिस मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं या जिस डेस्कटॉप को आपने देखा, कंप्यूटर सीखा, माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ आता है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक बिल गेट्स सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स हिंदुस्तान में पॉपुलर है क्योंकि इन्होंने बहुत से सामाजिक कार्यों में करोड़ों रुपए की धनराशि दी है दान के रूप में। इसके ठीक नीचे एक 7 नंबर पर मार्क जुकरबर्ग है, ये भी बहुत पॉपुलर है। पिछले 2-1 साल में इंडिया में आए, बहुत सारे लाइव इनके लेक्चर हुए, IITs में गए, प्रधानमंत्री जी के साथ में इनका कन्वर्सेशन हुआ और आप दिन में कई बार इनकी कंपनी का उपयोग करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, मार्क जुकरबर्ग उस कंपनी के मालिक हैं। 3 नंबर पर जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, वॉरेन बफेट, पिछले 4-1 साल छोड़ दें, उससे पहले कि यदि इतिहास में जाकर के बात करें, ये दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन थे कई वर्षों तक। इस चित्र को देख करके ध्यान देंगे तो आपको सोर्स पता चलेगा, नीचे लिखा हुआ है देखें, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स और ऊपर एक कोने में TOI टाइम्स ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ये सोर्स है। मैंने ऐसा ही काम आपको एक पहले भी दिया था, हिंदुस्तान के इन 10 धनवान लोगों को पहचान करके उनके नाम बताने के लिए आपसे कहा था। मैं आज फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुकेश अंबानी जी से लेकर के आदि गोदरेज तक, अडानी जी से लेकर के लक्ष्मी मित्तल तक, आप जरा इनके नाम पहचानिए। बहुत सरल है लेकिन अगर आप ढूंढ करके इनके नाम पता करोगे तो शायद आपको कुछ याद रहेगा और इनकी कंपनियों को कुछ देखोगे तो शायद आप कुछ सीखोगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इन पिक्चरों को, इन फोटोग्राफ्स को आप ढूंढिए, ये कौन सी कंपनी के मालिक हैं, उस कंपनी का क्या प्रोडक्ट बाज़ार में है, कहीं हम उस प्रोडक्ट का उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, आप ढूंढिए और मुझे व्हाट्सएप पर इनके नाम भेजोगे, 1 से लेकर के 10 तक जो नाम है वो आप मुझे लिख करके भेजोगे। इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, आज मैं आपको एक केस स्टडी शेयर कर रहा हूं। ये आपने 2 नंबर पर जिसकी शक्ल देखी है, जिसका फोटोग्राफ देखा है, बिल गेट्स, उनकी बायोग्राफी है, उनकी केस स्टडी है, किस तरीके से बिल गेट्स ने अपना माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाया, किस तरीके से व्यापार किया और किस तरीके से आज दुनिया के नंबर 1 और नंबर 2 रिचेस्ट पर्सन हैं, जरा इससे सीखें। बिल गेट्स एक ऐसा नाम जो शायद ही किसी परिचय का मोहताज हो। जब भी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों का जिक्र होता है तो बिल गेट्स का नाम सबसे पहले लिया जाता है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में पिछले 25 वर्षों में 18 बार बिल गेट्स नंबर 1 पर रहे। वर्तमान समय में वे दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। इस समय दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में नंबर 1 पर अमेज़न के जेफ बेजोस आते हैं। साल 2019 तक बिल गेट्स की कुल आय $96.5 बिलियन आंकी गई। अब सवाल उठता है
कि बिल गेट्स ने कैसे खड़ी की 96 बिलियन डॉलर की कंपनी और कैसे खर्च करते हैं वो अपनी कमाई को। बिल गेट्स का जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वॉशिंगटन के एक उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम विलियम एच गेट्स तथा माता का नाम मैरी मैक्सवेल था। पिता एक प्रतिष्ठित वकील तथा माता एक बैंक के व्यवस्थापक मंडल की सदस्य थीं। बिल गेट्स एक समृद्ध घर से थे। स्कूल में उन्होंने 1600 में से 1590 अंक पाए थे। पढ़ाई के दौरान ही कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर उन्होंने $4,200 भी कमा लिए थे और अपने टीचर से कहा था कि मैं 30 वर्ष की उम्र तक करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। हुआ भी ऐसा ही, 31 वर्ष की उम्र तक वे अरबपति बन गए। बिना डिग्री बनाई कंपनी। बिल गेट्स का नाम उन कामयाब लोगों में शुमार है जिन्होंने कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं ली है। उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में मैथ्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ने के लिए दाखिला तो लिया, लेकिन कंप्यूटर कोडिंग और प्रोग्रामिंग में अपनी रुचि को देखते हुए खुद की कंपनी खोलने के विचार से पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। 13 साल की उम्र में उन्हें लेक साइड स्कूल में डाला गया, जो कि एक प्रचलित प्राइवेट स्कूल था। जब वे 8वीं कक्षा में थे, विद्यालय के मदर क्लब ने लेक साइड स्कूल के रद्दी सामानों की बिक्री से प्राप्त धन का उपयोग विद्यालय के छात्रों के लिए एक ASR-33 टेलीपैथी टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदने के लिए किया। गेट्स ने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा में GE सिस्टम की प्रोग्रामिंग में रुचि दिखाई और उन्हें उनकी इस रुचि के लिए गणित की कक्षाओं में छूट दी गई। उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम इस मशीन पर ही लिखा था, जो था टिक टैक टो। ये यूजर को कंप्यूटर के साथ खेलने का अवसर प्रदान करता था। सन 1975 में उन्होंने अपने स्कूल के सीनियर और मित्र पॉल एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट की नींव रखी। असल में बिल गेट्स ने अपने करियर की शुरुआत 15 वर्ष की उम्र में ही कर दी थी। तब उन्होंने पॉल के साथ ट्रेफो डेटा नाम की एक कंपनी बनाई थी, पर यह कंपनी ज्यादा सफल नहीं हुई। हालांकि कुछ वर्षों बाद माइक्रोसॉफ्ट के निर्माण के दौरान उनका यह अनुभव उनके काफी काम आया। माइक्रोसॉफ्ट की शुरुआत थोड़ी धीमी रही, लेकिन साल 1979 तक कंपनी अपनी सॉफ्टवेयर से लगभग $2.5 बिलियन का कारोबार करने में सफल रही। सन 1981 आते आते कंपनी के कर्मचारी 25 से 128 हो गए और उनकी आय $2.5 मिलियन से $16 मिलियन हो चुकी थी। साल 1981 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर निर्माता कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी IBM और एप्पल जैसी कंपनीज के लिए सॉफ्टवेयर बनाए, परंतु इन कंपनियों के साथ विवादों के चलते साझेदारी आगे नहीं बढ़ सकी। बावजूद इसके 31 वर्ष की उम्र में बिल गेट्स सबसे कम उम्र के अरबपति बन चुके थे। वहीं सन 1995 में जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 95 लॉन्च किया, तो बिल गेट्स को इतना मुनाफा हुआ कि वे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। चैरिटी की तरफ रुझान। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के साथ साथ सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाले व्यक्ति भी हैं। साल 2000 में बिल गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा गेट्स के साथ बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन यानी BMGF की शुरुआत की। इस फाउंडेशन का मुख्य लक्ष्य वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना, गरीबी को कम करना और अमेरिका में शिक्षा के अवसरों और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है। साल 2008 में बिल गेट्स ने अपना पूरा समय चैरिटी को देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया था। अभी तक BMGF ने दुनिया भर के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुदान में $41.9 बिलियन दिए हैं। इस फाउंडेशन ने 4 देशों में मलेरिया खत्म करने के साथ ही भारत को पोलियो रहित बनाने में भी काफी सहयोग दिया है। 13 नवंबर 2017 को बिल गेट्स ने डिमेंशिया डिस्कवरी फंड में $50 मिलियन की रकम निवेश करने का ऐलान भी किया। ये निवेश उनकी चैरिटी फाउंडेशन से अलग होगा। डिमेंशिया डिस्कवरी फंड एक संस्था है जो सरकार और दवाई बनाने वाली कंपनियों के साथ डिमेंशिया बीमारी से संबंधित रिसर्च और दवाइयों को बनाने का काम करती है। आपको बता दें कि डिमेंशिया ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी की याद रखने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके अलावा बिल गेट्स $50 मिलियन का निवेश उन स्टार्टअप्स में भी करेंगे जो डिमेंशिया के लिए रिसर्च करते हैं। कैसा है बिल गेट्स का लाइफस्टाइल? इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति एक आलीशान घर का मालिक है। बिल गेट्स वॉशिंगटन DC में 66,000 स्क्वायर फुट में फैले एक विशाल घर में रहते हैं। इस घर को बनाने में 7 साल और $63 मिलियन की मोटी रकम लगी है, जिसके लिए वे हर साल करीब $1 मिलियन का प्रॉपर्टी टैक्स भी देते हैं। बिल गेट्स का घर डिजाइन और टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है। उनके घर में $80,000 की लागत वाली कंप्यूटर स्क्रीन लगी है। इन कंप्यूटर स्क्रीन में महज एक बटन दबाने से पेंटिंग और दीवारों पर लगी फोटोज बदली जा सकती हैं। इसके अलावा उनके घर में 24 बाथरूम
6 किचन, 200 लोगों के हिसाब से पार्टी हॉल, 2100 स्क्वायर फीट की लाइब्रेरी, होम थिएटर, जिम आदि बने हुए हैं। बिल गेट्स के पास अपना जेट प्लेन है, साथ ही दुनिया की बेहतरीन कारों का कलेक्शन भी। बिल गेट्स को पेंटिंग खरीदने का बेहद शौक है। साल 1988 में उन्होंने मशहूर अमेरिकन पेंटर विंसलो होमर की बनाई पेंटिंग करीब $35 मिलियन में खरीदी थी। बिल गेट्स ने लियोनार्डो द विंची के पत्रों और लेखों को $3 करोड़ में खरीदा था। 265 साल लगेंगे बैंक अकाउंट खाली करने में। आज बिल गेट्स के पास इतनी दौलत है कि अगर वो हर रोज $1 मिलियन भी खर्च करते हैं तो उन्हें 265 साल लग जाएंगे अपना बैंक अकाउंट खाली करने में। ब्रिज टेनिस और गोल्फ के शौकीन बिल गेट्स अपने 3 बच्चों के लिए अपनी पूरी जायदाद छोड़कर नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि अगर मैं अपनी संपत्ति का 1% भी उनके लिए छोड़ दूं तो वो काफी होगा। बिल गेट्स की संपत्ति का आधा हिस्सा उनकी चैरिटी संस्था के तहत दान कर दिया जाएगा। ये पहल बिल गेट्स और अमेरिकन उद्यमी वॉरेन बफे ने एक अभियान द गिविंग प्लेज के तहत की है। इसका उद्देश्य अमीर लोगों को चैरिटी करने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि वे दुनिया की भलाई के लिए ज्यादा से ज्यादा दान करें। उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, द रोड अहेड और बिजनेस एट स्पीड ऑफ थॉट्स। बिल गेट्स की दूरदर्शिता ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने का बार बार खिताब दिलाया, लेकिन उससे ज्यादा उन्हें मानवता के प्रति संवेदनशील होने के लिए याद किया जाएगा। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और तो ये आप लोगों ने सुना किस तरीके से बिल गेट्स अमीर बने और उन्होंने किस तरीके से अर्जित धन का उपयोग समाज के लिए भी किया। ये कहानियाँ शायद आपको सपना लगती होगी और आपको लगता होगा कि ऐसा कोई होता है क्या, लेकिन हो रहा है। APJ कलाम साहब के अनुसार आप भी इतने सपने देखिए, बड़े सपने देखिए। ये अगला चित्र आपके सामने है, कुछ मिक्स है। मैं इसके बारे में आपको बता रहा था, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई बीच में। राइट हैंड साइड में सबसे नीचे एक महान संत नीम करोली बाबा या नीम करोरी बाबा के नाम से मशहूर संत हुए हैं उत्तर भारत में, और ये उन्हीं का धाम है, कांची धाम। इधर एक शख्सियत सामने खड़ी है, स्टीव जॉब्स, और अभी आपके शुरुआत में जो मैंने 10 धनाढ्य लोगों की तस्वीरें शेयर की थी, उसमें 7वें नंबर पर फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग, इन दोनों का हिंदुस्तान से बहुत गहरा रिश्ता है। स्वामी जी या बाबा जी, जो प्रसिद्ध पॉपुलर नाम बाबा जी है, नीम करोली बाबा जी के इस आश्रम से इनका
पुराना नाता है 70s का, सन 1970 या 73 के आसपास की यात्रा इनकी यहाँ रही है। आज हम स्मार्ट जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं और हम सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। किसी भी स्टूडेंट से पूछिए कि यदि तेरे पास पैसों की लिमिट नहीं हो, यानी कितना खर्च करना इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं हो, तो तुम कौन सा फ़ोन खरीदोगे, तो शायद 10 में से 7 लोग ये कहेंगे आईफोन खरीदूंगा। जो लैपटॉप यूज़ करते हैं उनसे पूछिए, अगर आपको लैपटॉप यूज़ करना है तो कौन सा खरीदना पसंद करेंगे, पीपल व्हील से आईपैड। ये जो आईफोन और आईपैड की जो हम बात कर रहे हैं, एप्पल कंपनी की जो हम बात कर रहे हैं, ये उस एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं स्टीव जॉब्स। शुरुआती जीवन में असफल रहने के बाद भारत की यात्रा की, कभी समय मिले और अच्छा लगे, जिज्ञासा हो तो इनकी आत्मकथा ज़रूर पढ़े, स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी ज़रूर पढ़े। उन्होंने भारत और भारत के लोगों के लिए एक बहुत सुंदर बात कही है कि 5 तरह के नॉलेज तो सब लोगों के पास में है, या छठा ज्ञान सबके पास, ज़्यादा लोगों के पास में है, दैट इज़ इंट्यूशन, द 6th सेंस। ये एक बहुत अच्छी बात है, सोचने योग्य बात है। ये इंट्यूशंस कहाँ से आता है, ये 6th सेंस कहाँ से आता है, उसका सोर्स क्या है, क्यों इंडियंस में 6th सेंस ज़्यादा है, अब धीरे धीरे कम हो रहा है, आपकी जनरेशन और आपकी जनरेशन के आगे के लोगों में कम हो रहा है, उसका भी कारण आप लोगों को ही पता करना है। तो स्टीव जॉब्स की कहानी को भी सुने आप, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मोटिवेटिंग स्टोरी है। स्टीवन पॉल स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वे एप्पल कंपनी के को-फाउंडर और सीईओ थे। स्टीव जॉब्स का जीवन हर किसी के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने जिस तरह से अपने जीवन में तमाम संघर्षों को झेलकर अपनी जिंदगी में सफलता के नए आयामों को छुआ, वो वाकई में काबिल-ए-तारीफ था। जॉब्स की जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें एक मंदिर में मिलने वाले खाने से अपनी भूख मिटानी पड़ती थी और अपने दोस्त के घर पर जमीन पर भी सोना पड़ता था। यही नहीं, वे अपने जीवन में उस दौर से भी गुजरे जब उन्हें अपनी ही कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था, लेकिन इन सब के बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और वे आगे बढ़ते रहे। स्टीव जॉब्स का जन्म और परवरिश भी बाकी लोगों से एकदम अलग थी। दरअसल उनका जन्म 24 फरवरी 1955 में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में सीरिया मूल के एक मुस्लिम अब्दुल फतेह जॉन जंदाली के घर हुआ था। उनकी असली माता का नाम यूहान शेबल सिम्पसन था। उस दौरान उनकी माता ने शादी नहीं की थी, इसीलिए उन्होंने स्टीव को किसी और को गोद दे देने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने पॉल और क्लारा नाम के एक कपल को जॉब्स को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजने के आश्वासन के बाद गोद दे देने का फैसला किया। आपको बता दें कि पॉल, जिन्होंने जॉब्स को गोद लिया था, वे एक मैकेनिक थे, जबकि उनकी माँ क्लारा एक अकाउंटेंट थी जिन्होंने बाद में एक गैरेज खोल लिया था। जॉब्स की दिलचस्पी बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में थी, इसीलिए वे गैरेज में रखे इलेक्ट्रॉनिक के सामान से छेड़छाड़ करते और हमेशा कुछ नया जानने की कोशिश में लगे रहते थे। इस तरह बचपन में ही जॉब्स ने अपने पिता की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स का काफी काम सीख लिया था। स्टीव जॉब्स बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा वाले एक कुशाग्र बुद्धि के छात्र थे। हालांकि उन्हें स्कूल जाने से अच्छा घर पर बैठकर किताबें पढ़ना ही लगता था। शिक्षा और शुरुआती करियर। स्टीव जॉब्स के माता पिता ने किसी तरह उनकी हाई स्कूल तक की पढ़ाई का खर्चा तो उठाया, लेकिन इसके बाद जब स्टीव जॉब्स का एडमिशन ऑरेगन के रीड्स कॉलेज में हुआ तो वो इतना महंगा था कि स्टीव के माता पिता की पूरी जमा पूंजी इस कॉलेज की फीस में ही खर्च होने लगी। इसीलिए पहले सेमेस्टर के बाद ही पैसों की कमी के चलते स्टीव जॉब्स ने अपना कॉलेज छोड़ने का फैसला किया। हालांकि कॉलेज छोड़ने के बाद उन्होंने कैलीग्राफी की क्लासेस लेना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि कैलीग्राफी अक्षरों को क्रिएटिव और अच्छे तरीके से लिखने की कला को कहते हैं।
इस दौरान स्टीव जॉब्स की दोस्ती स्टीव वोजनियाक से हुई। वोजनियाक को भी स्टीव की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में दिलचस्पी थी। स्टीव जॉब्स को अपने जीवन के शुरुआती दिनों में आर्थिक तंगी की वजह से काफी बुरे दौर से गुजरना पड़ा। जॉब्स के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने पेट की भूख मिटा सकें। वे कोक की बॉटल बेचकर किसी तरह से अपना गुजारा करते थे और हर संडे कृष्ण मंदिर जाया करते थे, क्योंकि वहां फ्री में पेट भर खाना मिलता था। यही नहीं, स्टीव जॉब्स ने अपनी कई रातें अपने दोस्त के कमरे में फर्श पर सोकर गुजारी थी। हालांकि स्टीव जॉब्स के अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और प्रतिभा की कोई कमी नहीं थी। इसी के चलते उन्हें 1972 में एक वीडियो गेम बनाने वाली डेवलपिंग कंपनी अटारी में काम करने का मौका मिला। लेकिन स्टीव जॉब्स इस जॉब से संतुष्ट नहीं थे और फिर उन्होंने ये नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इस नौकरी से उन्होंने जो भी पैसे कमाए थे उससे वे भारत घूमने के लिए आ गए। दरअसल स्टीव को भारतीय संस्कृति काफी प्रभावित करती थी और वे यहाँ आकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने 1974 में करीब 7-8 महीने भारत के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में व्यतीत किए और यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा भी ली। इसके बाद वे अमेरिका वापस लौट गए। हालांकि अब वे पहले वाले जॉब्स नहीं रहे, वे पूरी तरह बदल चुके थे और उनका मन भी पूरी तरह एकाग्रचित हो गया था। इसके बाद जाकर उन्होंने फिर से जॉब ज्वाइन कर ली। स्टीव जॉब्स के सबसे अच्छे दोस्त स्टीव वोजनियाक ने एक पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था, जिसे देखकर वे बेहद खुश हुए और इसी के बाद जॉब्स को कंप्यूटर बेचने के बिजनेस का आइडिया आया। साल 1976 में जॉब्स ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में कंप्यूटर बनाने का काम शुरू कर दिया। एक गैरेज से शुरू हुई कंपनी का नाम आगे चलकर एप्पल रखा गया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। इसके बाद तो इस कंपनी ने एक के बाद एक नए आविष्कार किए और सफलता के नए नए आयामों को छुआ। साल 1980 में जॉब्स की एप्पल कंपनी एक प्रतिष्ठित एवं विश्व की जानी मानी कंपनी बन चुकी थी। जब अपनी ही कंपनी से निकाला गया जॉब्स को, स्टीव जॉब्स के जीवन में एक दौर वो भी आया जब उनकी अपनी ही कंपनी ने उन्हें रिजाइन करने के लिए मजबूर किया था। दरअसल लगातार कामयाबी हासिल कर रही एप्पल को उस समय ब्रेक लग गया जब उसने एप्पल 3 और फिर लीसा कंप्यूटर लॉन्च किया। लीसा कंप्यूटर नाम स्टीव जॉब्स की बेटी के नाम पर रखा गया था। ये दोनों ही प्रोडक्ट बुरी तरह फ्लॉप रहे। हालांकि बाद में स्टीव ने मैकिंटोश को बनाने में कड़ी मेहनत की और फिर 1984 में लीसा पर बेस्ड सुपर बाउल बनाकर उन्हें मैकिंटोश के साथ लॉन्च किया। इसके बाद उन्हें फिर से कामयाबी हासिल हुई। आगे चलकर एप्पल ने IBM के साथ मिलकर कंप्यूटर बनाने का फैसला किया। अच्छी क्वालिटी के चलते मार्केट में इसकी डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि कंपनी पर ज्यादा से ज्यादा सिस्टम बनाने का प्रेशर पड़ने लगा। स्टीव जॉब्स ने अपनी कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को कभी नहीं छिपाया और इसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा, क्योंकि कई दूसरी कंपनियां इनके कॉन्सेप्ट को अपनाकर कंप्यूटर बनाकर ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचने लगी थीं, जिसकी वजह से एप्पल को काफी लॉस हुआ और इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को माना गया। उनकी ही कंपनी ने उन पर अपने पद को छोड़ने का प्रेशर बनाया। इसके बाद स्टीव जॉब्स ने 17 सितंबर 1985 को एप्पल से इस्तीफा दे दिया। उस समय उनके साथ उनके 5 और करीबी सहयोगियों ने एप्पल से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट कंप्यूटर से की वापसी। वो कहते हैं ना, आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है। स्टीव जॉब्स के साथ भी यही हुआ। खुद की कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद वे हताश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाते हुए नेक्स्ट कंप्यूटर के नाम से एक नई शुरुआत की। इस दौरान उनकी किस्मत ने भी साथ दिया और उनकी इस कंपनी के लिए एक बड़े बिजनेसमैन रॉस पेरोट ने इन्वेस्ट किया। इसके बाद 12 अक्टूबर 1988 को एक इवेंट में नेक्स्ट कंप्यूटर को लॉन्च किया गया। हालांकि नेक्स्ट भी एप्पल की ही तरह काफी एडवांस था, इसीलिए यह उस समय बहुत महंगा था, जिसके चलते नेक्स्ट को काफी नुकसान हुआ। इसके बाद स्टीव जॉब्स को यह एहसास हो गया था कि उन्हें अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत है और उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर को एक सॉफ्टवेयर कंपनी बना दिया। इसके बाद यह कंपनी चल निकली और स्टीव जॉब्स को सफलता हासिल हुई। डिज्नी के साथ जॉब्स की पार्टनरशिप। साल 1986 में स्टीव जॉब्स ने एक एनिमेशन कंपनी पिक्सार मूवी खरीदी और डिज्नी के साथ पार्टनरशिप कर ली। इसके बाद स्टीव जॉब्स सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और कभी भी अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखा। एप्पल में CEO के तौर पर वापसी। एप्पल ने 1996 में नेक्स्ट कंपनी खरीदने के लिए स्टीव से बात की और यह डील $427 मिलियन में फाइनल हुई। इस बार स्टीव जॉब्स ने CEO के तौर पर एप्पल कंपनी में वापसी की थी।
लेकिन इस दौरान एप्पल कठिन दौर से गुजर रहा था। आगे चलकर स्टीव के मार्गदर्शन में कंपनी ने एप्पल आईपॉड म्यूजिक प्लेयर और आईट्यून्स लॉन्च किए। वर्ष 2007 में एप्पल ने अपना पहला मोबाइल फोन लॉन्च कर मोबाइल की दुनिया में क्रांति ला दी। इसके बाद तो एक के बाद एक नए प्रोडक्ट लॉन्च कर एप्पल लगातार सफलता के नए नए पायदानों को छूने लगा। स्टीव जॉब्स को साल 1978 में अपनी लव पार्टनर क्रिस्टन ब्रेनन से एक बेटी लीजा ब्रेनन पैदा हुई। इसके बाद उन्होंने साल 1991 में लॉरेन पावल से शादी की। इस शादी से दोनों को 3 बच्चे हुए, जिनका नाम है रीड, एरिन और ईव। एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को उनके जीवन में तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है, जिनमें अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा स्टीव जॉब्स को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी से नवाजा गया। स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया हॉल ऑफ फेम से भी सम्मानित किया गया था। इससे पहले जॉब्स को उनकी प्रतिष्ठित कंपनी एप्पल के लिए साल 1982 में मशीन ऑफ द ईयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स को अपनी जिंदगी के आखिरी समय में पैनक्रियाटिक कैंसर जैसी बीमारी से जूझना पड़ा था। कई साल तक इस बीमारी से लड़ने के बाद उन्होंने 2011 में कैलिफोर्निया के पालो ऑल्टो में अपनी अंतिम सांस ली और इस तरह वे इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। वहीं अपनी मौत से पहले स्टीव जॉब्स ने 24 अगस्त 2011 में टिम कुक को एप्पल के नए सीईओ बनाने की घोषणा की थी। स्टीव जॉब्स आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन एप्पल जैसी प्रतिष्ठित कंपनी की नींव रखने के लिए उनको हमेशा याद किया जाएगा। दोस्तों, तो स्टूडेंट्स, आपने ये स्टीव जॉब्स की भी स्टोरी सुनी। आज आपको अमेरिका के दो धनवान लोगों की कहानियां सुनाई है। ये कहानियां आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप भी एक महान आविष्कारक, बड़े व्यक्ति, धनाढ्य व्यक्ति बन सकते हैं, बशर्ते जिज्ञासा हो, मेहनत करने की इच्छा हो, तो आपको भी अवसर मिल सकता है। सिर्फ ये कह देने से, कि हम तो गांव में पैदा हुए हैं, छोटे से गांव के रहने वाले हैं, हम तो किसान हैं, किसान ही सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा आविष्कारक है। आउट ऑफ बॉक्स निकल करके सोचना शुरू कीजिए। पिछले 9 महीने के लॉकडाउन के पीरियड में दुनिया सबसे वंचित रह गई। हवाई जहाज नहीं चली, रेलगाड़ी नहीं चली, बसें नहीं चली, मोटर कार नहीं चली, स्कूटर नहीं चला, मोटरसाइकिल नहीं चली, लेकिन किराने की दुकान चली, फूड ग्रेन्स बिका, अन्न दाल दलहन तिल तिलहन बिका, बाकी सब बंद रहे। आप अन्नदाताओं के परिवार से अगर हैं तो दुनिया कितनी भी पीछे चली जाए और कितनी भी आगे निकल जाए, आप जिस जमीन से जुड़े हुए हैं वहाँ बात बहुत अलग है और वहाँ काम करने की असीम संभावनाएं हैं। केवल धान पैदा करके मंडी में सरकारी समर्थन मूल्य पर बेच करके या आढ़तीय से पैसा लेकर के कमा लेना काफ़ी नहीं है। उससे आगे सोचिए कि आपके द्वारा पैदा किया गया अन्न, मूंगफली, तिल तिलहन, कपास, बाजरा, गेहूँ, मक्का, टमाटर, प्याज, जिसके आपको दाम शायद 100 रुपये के अंदर अंदर मिलते हैं, किसी के 40, किसी के 20, किसी के 8, किसी के 60,
क्या मैं इसको 3 गुना दाम में बेच सकता हूँ? क्या बेचा जा सकता है? उसमें वैल्यू एडिशन करनी पड़ेगी, उसका रूप बदलना पड़ेगा। आप उस सीमाओं से बाहर निकल करके दुनिया को देखिए, सोचिए। आप धरती पुत्र हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। ये केस स्टडीज निश्चित रूप से अमेरिकन सोसाइटी में फिट उतरती है, लेकिन हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान के इस परिवेश में भी आप में से भी कोई एक बिल गेट्स या स्टीव जॉब्स बन सकता है। आप भी धनाढ्य बन सकते हैं। कोशिश करें, मेहनत करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और आप कमेंट्री ज़रूर करें क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या ठीक लग रहा है और क्या ठीक नहीं लग रहा है। मैं उसमें सुधार नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप अपनी ओपिनियन, आप अपनी राय केवल थम्सअप करने से नहीं, लिख करके भेजें। क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या ठीक नहीं लगी, या किसने क्या प्रश्न खड़े किए, उसको देखने के बाद मन में क्या जिज्ञासा हुई, क्या और जानना चाहते हैं, ये ज़रा बताएं। धन्यवाद।